तो ही गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। तो आज है डे सैटरडे। तो गाइज, जैसे कि मैं बता दूँ, अभी जो टाइम है 9 o'clock हो गया है। तो मैं चाय वो पी कर फ्री बैठी थी, क्यों आज यहाँ पे मौसम बहुत सुनहरा हो रखा है, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत मतलब ठंड जैसा हो गया है मौसम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं छत पे होम कपड़े डले थे सारे कपड़े, ये जैसे कि तैसे देख सकते हैं, पूरा बारिश से छत भीगा हुआ है, पूरा मौसम मतलब ठंड वाली हो गई है, बहुत ठंड सी भी लग रही है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, यानी अभी इतनी हवा की जरूरत नहीं है जिस हिसाब से हवा चल रही है, क्योंकि अभी तो ऐसे ही मौसम ठंड वाली है थोड़ी थोड़ी। और सौर्य मेरा गया है स्कूल, सौर्य का है एग्जाम, कल सौम्य का था, मतलब एक दिन सौर्य का एक दिन सौम्य का, ऐसे एग्जाम चल रहा है। तो सौर्य गया एग्जाम देने, उसे जो है मैं दूध रोटी खिलाकर भेज दी हूँ, और अब मैं बनाने का तैयारी क्या कर रही हूँ वो भी आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं बनाई हूँ सत्तू वाला पिट्ठी, जो हमारे बिहार से होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। आज डे है सैटरडे, तो हमारे यहाँ कुछ मान्यता होता है ऐसा कि आप सत्तू का लिट्टी खाओ तो अच्छा होता है, और खिचड़ी। तो आप लोग के यहाँ ऐसा कुछ है या नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो जैसे होता है, मम्मी जो करती हैं मॉर्निंग में खिचड़ी बना लेती हैं, तो इवनिंग में सत्तू का लिट्टी बनाती हैं। यहाँ पे है आटा गूंथ कर लगा कर रख ली हूँ मैं तो आटा, और मैं सोच रही हूँ सौम्या भी अभी टोस्ट और दूध खा ली है, मैं भी चाय पी ली हूँ, तो अभी जो है थोड़ी जरूरत नहीं है, मतलब पेट थोड़ा सा जो है भरा है। और यहाँ पे मैं कुकर में थोड़ा सा पकाई हूँ, वो भी आप लोग को दिखाती हूँ। कुकर में मैं पकाई हूँ बैगन, आलू, टमाटर। अब गैस पे भूनो तो गैस हो जाती है खराब, कुकर में इस तरीके से आप लोग भूनो, थोड़ी सी ऑयल डालो इसमें। ऑयल डालने के बाद इसमें सारा वेजिटेबल्स जो भी चोखा बनाना है वो मैं डाल दी हूँ, जिसमें बैगन, आलू और टमाटर डाली हूँ, और धीमा आंच करके, बिल्कुल धीमा फ्लेम करके आप इसे 1-2 सीटी लगा सकते हो। तो इससे जो हमारा है सारा वेजिटेबल्स मतलब बहुत अच्छे से पक जाता है, जैसा कि आपको आग वाले फ्लेवर आएगी इसमें। तो इस तरीके से मैं भून ली हूँ, तो इसका बनाऊंगी गाइस चोखा। तो आज हमारे की यहाँ बिहार का फेमस जो है बनेगा लिट्टी चोखा। अगर मैं कहीं इसका वो कर ली ना सेलिंग का खाने का, तो बहुत अच्छा चलेगा। बट अगर मेरे खाने का हो जाए ना, तो सच में बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा। तो पर दिक्कत ये है कि अकेली हूँ मैं, कितना हैंडल करूँगी। और खाने वाले में ये भी इशू होता है, ये और कि जैसे आप लेडीज हो, खाने वाले में जेंट्स भी आएंगे खाने के लिए, बहुत मतलब अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत बदतमीज लोग भी होते हैं, तो उसमें कौन कैसा आएगा, क्या बोल गया। तो इस वजह से जो है मैं खाने का, जैसे आप लोग कमेंट करते थे ना श्वेता जी आप खाने का कर लो, तो इस सोच कर मैं नहीं करती हूँ खाने का कि पता नहीं कौन कैसा होगा, किसका नेचर कैसा होगा, क्या आकर आगे से बोल जाए। और मुझे किसी का सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जो मेरी बुराई है मैं आप लोग से बता दे रही हूँ। मुझे लगता है मैं किसी से बदतमीजी से ना बोलूँ तो अगला भी मुझसे बदतमीजी से ना बोले, बट ऐसा होता नहीं है। आप लोग कमेंट ही देखते होंगे, काफी लोग आएंगे कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं, तो खैर चलती रहती है ना। तो पहले मैं बना लेती हूँ गाइज चोखा और लिट्टी, अभी नहीं बनाऊंगी, समय तुझे खाना है लिट्टी भी, क्योंकि अभी ये भी खाली है तो इसको भी कोई जरूरत है नहीं, और सौर्य आएगा तो उस टाइम देखूंगी बना लूंगी। जब तक है कि मैं काम कर लेती हूँ कंप्लीट, बेड उड भी सही करना है, थोड़ा बहुत डस्टिंग करूंगी और उसके बाद झाड़ू पोछा। नॉर्मली आप लोग रोज का काम यही है, लेडीज का जिंदगी यही है, झाड़ू पोछा घर खाना पीना, उसके बाद अगर उतना तक लिमिट हो तो सही है, बट मेरा तो उसके बाद बाहर का भी सोच है, खर्च का भी सोच है, बहुत कुछ है जो कि आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, आप लोग को हर चीज पता है।
तो चलिए मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर के बाद।